बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड को जो अपडेट करवाने की एक नई प्रणाली शुरू हुई है, जिसमें बैंकों और पोस्ट ऑफिस के जरिए और कुछ चयनित राशन कार्ड केंद्रों के जरिए जो है उनका अपडेशन होता है, उसमें माननीय गरीबों को, खासतौर से मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के लोगों को खासा समस्या सामने आ रही है। उसका कारण यह है कि वहां पहुंच करके लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, और एक बार कोई छोटा सा चेंज करवाने के लिए, मान लीजिए नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है, उसको चेंज करवाने के लिए 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। जिसका मतलब है कि ये गरीब लोग सरकारी सुविधाओं से 3 महीनों के लिए वंचित हो जाते हैं, जिससे उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। मान्यवर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का चाहे राशन कार्ड हो और चाहे अन्य सरकारी सुविधाएं हो, वो इसी आधार कार्ड से जुड़ने का एक बड़ा प्लान सरकार ने बनाया है। यदि इतना समय लग जाएगा, खास तौर से गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। मेरा सरकार से और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से ये अनुरोध है कि इस विषय में वो गंभीरता से सोचे और आधार कार्ड की अपडेशन की सुविधाओं को और सुचारू बनाए, जिससे गरीब लोगों की समस्याएं हल हो। बहुत बहुत